नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है, बिहार के लिए रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। इस फेस्टिवल पूजा फेस्टिवल स्पेशल चलाने की घोषणा की है। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यह गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है, गाड़ी के नाम, और इसके साथ ही हम कोच की बात करेंगे और गाड़ी कितने बजे चलेगी और कितने बजे पहुंचेगी। यह सब जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, पहली जो ट्रेन जानकारी है वह है 04009 जोगवानी आनंद विहार फर्स्ट ट्रेवल स्पेशल एक्सप्रेस। यह गाड़ी जोगवानी से आनंद विहार ट्रेन के बीच में बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर 2024 से चलेगी। यह गाड़ी जोगवानी से सुबह 9 बजे चलेगी और 31 घंटा 5 मिनट का यात्रा तय करते हुए आनंद विहार ट्रेन को दूसरे दिन शाम 4:05 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी के तकरीबन 23 हल्ट पर रुकेगी। इस गाड़ी में कोच की बात करें तो इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल के कोच लगाए जाएंगे। दूसरी जो ट्रेन जानकारी है वह है 04010 आनंद विहार टर्मिनस जोगवानी फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। यह गाड़ी आनंद विहार टर्मिनस से जोगवानी के बीच में मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 से चलेगी। यह गाड़ी आनंद विहार टर्मिनस से रात 11:45 पर चलेगी और 29 घंटा 35 मिनट का यात्रा तय करते हुए जोगवानी को तीसरे दिन सुबह 5:20 पर पहुंचेगी। यह गाड़ी तकरीबन 23 हल्ट पर रुकेगी। इस गाड़ी के कोच की बात करें तो इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल के कोच लगाए जाएंगे। तीसरी जो ट्रेन जानकारी है वह है 01010 दानापुर मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। यह गाड़ी दानापुर से मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में रविवार और मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 से चलेगी। यह गाड़ी दानापुर से शाम 6:15 पर चलेगी और 33 घंटा 15 मिनट का यात्रा तय करते हुए मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस को दूसरे रात 3:30 पर पहुँचेगी। यह गाड़ी तकरीबन 16 हल्ट पर रुकेगी। इस गाड़ी में कोच की बात करें तो इसमें थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल के कोच लगाए जाएंगे। चौथी जो ट्रेन जानकारी है वह है 01208 समस्तीपुर नागपुर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। यह गाड़ी समस्तीपुर जंक्शन से नागपुर के बीच में बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर 2024 से चलेगी। यह गाड़ी समस्तीपुर जंक्शन से रात 11:45 पर चलेगी और 31 घंटा 15 मिनट का यात्रा तय करते हुए नागपुर को तीसरे दिन सुबह 7 पहुंचेगी। यह गाड़ी तकरीबन 12 हल्ट पर रुकेगी। इस गाड़ी में कोच की बात करें तो इसमें थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल के कोच लगाए जाएंगे। पांचवी और आखिरी जो ट्रेन जानकारी है वह है 057:35 अमृतसर कटिहार फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। यह गाड़ी अमृतसर जंक्शन से कटिहार जंक्शन के बीच में शुक्रवार के दिन 20 सितंबर से चलेगी। यह गाड़ी अमृतसर जंक्शन से दोपहर 1:25 पर चलेगी और 34 घंटा 20 मिनट का यात्रा तय करते हुए कटिहार जंक्शन को दूसरे रात 11:45 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में तकरीबन 28 हल्ट पर रुकेगी। इस गाड़ी के कोच की बात करें तो इसमें थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल के कोच लगाए जाएंगे। दोस्तों, फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। और भी किसी ट्रेन की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।